स्वागत है आपका एक और न्यू इंटरेस्टिंग एंड धमाकेदार वीडियो पर। भाई लोग क्या हालचाल, सभी के कैसे हैं सब? तो भाई आज ही ना वीडियो कोई गिव अवे और ना ही कुछ अनदर टॉपिक के ऊपर होने वाले। भाई आज जो टॉपिक है ना, भाई आज इन गली के कुत्तों को यार थोड़ा बताने की जरूरत है कि इनकी वजह से रात को पब्लिक सो नहीं पाती है, ठीक है? तो अभी इन्हें यार हमें थोड़ा करवाना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा इन कुत्तों को। तो चलो, इसको इसने हमारे ऊपर एक घंटे पहले एक ऐसी वीडियो बनाई है जो मतलब नहीं बनानी चाहिए थी, ठीक है? तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसमें इसने क्या क्या बोला है विथ प्रूफ, ठीक है? तो चलो चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। करवा दिया है। प्री मैच हो जाने के बाद सामने वाली जो अपनी टीम थी MIB e-sport, उनके बंदों ने कहा था कि भैया वीडियो को डिलीट कर लो आप या फिर प्राइवेट कर लो, मैटर सारा जो है वो सॉर्ट आउट हो गया है। और मैंने डिसाइड कर लिया था कि यार वीडियो को डिलीट कर लेते हैं या फिर प्राइवेट कर लेते हैं। लेकिन मैंने ये जब देखा कि सामने वाला बंदा हमको वार्निंग दे रहा है कि अगर तुम वीडियो डिलीट नहीं करोगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और जिसको देखने के बाद मेरा दिमाग हुआ खराब और मैंने डिसाइड कर लिया कि वीडियो तो अब डिलीट नहीं होगी। अगर ये बंदा खुद से अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेता और प्यार से बोलता कि भैया हो गई गलती, अब आप वीडियो डिलीट कर दो, तो मैं इस कंडीशन में वीडियो को पक्का डिलीट कर देता। लेकिन नहीं, भैया तो अपनी गलती एक्सेप्ट करने की बजाय उल्टा हमको ही ब्लेम करने लगे, हमारे ऊपर ही एक रोस्ट वीडियो बना दी। Wait a minute. Who are you? और शायद फ्रूट गेमिंग तेरे को शायद अभी तक पता नहीं है कि जित्तू गेमर अगर रोस्ट करने पे आ गया ना तो ऐसा रोस्ट करेगा भैया कि अब पूछो ही मत। और अगर यकीन ना हो तो मेरी एक साल पुरानी वीडियोस जाके जरूर देख लेना एक बार, पता चल जाएगा कि मैं रोस्ट कैसे करता हूँ। क्या बोला तूने? रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ अबे मेरे छोटे केरी मनाइटी, मुझे तेरी पहले की वीडियो से कोई फर्क पड़ेगा और ना ही अभी पड़ेगा। हम तेरी तरह इतने घमंडी नहीं है जो अपनी तारीफ खुद ही करे, ठीक है? हमें पता है क्या सही है क्या गलत है। तो गाइस, यहाँ तक आप लोगों ने अच्छी तरीके से सुन लिया होगा कि इस बंदे ने क्या क्या मेरे बारे में बोला है। और फ्रूट गेमिंग भैया पहले अपने मुँह से गुटका पान कौन सा नशा करता है भाई, उसको निकाल के वीडियो बनाया कर भाई। सबसे पहली बात तो ये कि मैंने पिछले वीडियो में तेरे चैनल के नाम को कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोला था, लेकिन तूने तो बहुत कुछ बोल दिया, चल जाने देते हैं, कोई दिक्कत। और रही बात रोस्ट वीडियो बनाने की, तो देख भाई ऐसा है कि रोस्ट वीडियो हम आज से नहीं बना रहे हैं, वीडियो हम बहुत पहले से बना रहे हैं। रोस्ट इससे अच्छा करते थे पहले, आजकल गाली वाली थोड़ी कम कर दी है। क्या बोला तूने? और अगर तेरे जैसे चमूने मेरे को आगे भी मिलेंगे तो हो सकता है इससे ज्यादा खतरनाक रोस्ट तेरे को देखने को मिल सकते हैं, तो तू भी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। रही बात स्कैम करने की, तो तू ये बता कि तूने सामने वाली टीम के बंदे को जो लीडर था उस टीम का, उसको ब्लॉक क्यों किया था भाई? तू साले इतना बड़ा यूट्यूबर है, खुद को बड़ा यूट्यूबर बोलता है, तो 400 रुपए के लिए तू क्या नंगाई करके रखा है बे? चल मान लेते हैं थोड़ी बहुत चीटिंग की होगी सामने वाली टीम में, तो लेकिन 400 रुपए अगर तू उसको दे देता, बड़ा यूट्यूबर है भाई, 5000 सब्सक्राइबर है, तो तेरा कुछ हल्का भारी होता नहीं, तो क्या दिक्कत थी? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ भाई? ये सब कंट्रोवर्सी होती नहीं अगर तू ऐसा कुछ करता नहीं। सुन बे चमू ने, टूर्नामेंट किसे कहते? जाके हमारे चैनल पे देख, जाके हम करवाते हैं टूर्नामेंट, तेरे से कई गुना अच्छा करवाते हैं और फेयर टूर्नामेंट करवाते हैं। तू तो खुद की टीम लेके बैठा रहता है बोले टूर्नामेंट में, हमारे टूर्नामेंट में जाके देख, हम अपनी खुद की टीम उतारते ही नहीं टूर्नामेंट में। हमारे टूर्नामेंट में ना तो कोई इन्वाइटेड टीम होती है, ना तो कोई हमारी खुद की टीम होती है। तूने टूर्नामेंट आज करवाया होगा, मैं टूर्नामेंट कब से करवा रहा हूँ जाके मेरी ऑडियंस से पूछ लेना, नहीं तो मेरे चैनल की पुरानी वीडियो उठा के देख लेना जहाँ पर मैंने टूर्नामेंट की अपडेट डाली हुई है, वो भी आज से एक से डेढ़ साल पहले। तूने डेढ़ साल पहले एक टूर्नामेंट करा के इतना फुदा करा है, और मेरी वीडियो पे जाके देख मैं कब से टूर्नामेंट, और मेरे बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं, ठीक है? और मेरी मेरे मेंढक के चूदे, पहले तू पूरी बात जान तो लिया कर। तू चाहे तेरे को क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है तो मेरे को बता दे भाई, मैं इंजेक्शन लगवा देता हूँ तेरे को। तू पहले पूरी बात जान लिया कर विद प्रूफ के साथ, बता दूँ तेरे को हुआ क्या है। तेरे को पता नहीं है MIB वालों ने हमें उल्टा सीधा बोला है, जबकि उन्हें हमने उन्हें सेकंड चांस दिया। तेरे को यहाँ पे अब देख स्क्रीनशॉट में प्रूफ भी दिखाता हूँ। तो भाई अब यहाँ पे तू देख ले, ये ऊपर इस बंदे ने लिखा है मैं रोक कर से था, ऐसा ऐसा लिखा है, ठीक है? भाई अगला मैच कब है ये मुझे, अगला मैच कब है ये, हार गए तो मुझे पूछता है अगला। मैंने बोला आप तो हार गए हो ना ब्रो, बोलो यस। तो भाई इसको मैंने कॉल किया, ठीक है? फिर मैंने इसको बोला कि एक और चांस देता हूँ तुझे यहाँ पे मैं, ठीक है? तो मैंने इसे एक और चांस दिया, दिखा भी ये 2:30 या 4 बजे मैच मिलेगा दिन में, ठीक है? यहाँ पे हमारी यहाँ पे क्लियर बात हुई। अब आपको दूसरा ऐसे दिखा दूँ भाई, हम यहाँ पे हमने इसको लगातार फाइनल्स तक पासवर्ड दे दिया। अब ये 27 दिसंबर को इनका जो फाइनल वाला मैच था
इनमें इन्होंने चीटिंग किया। अब इसने लिखा है अब कौन झूठ तू बता, तू क्लियरली अपनी टीम को जिताना चाहे। भाई मेरा ब्लैक ड्रैगन से कोई रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ हमारे फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स तो तुम भी हो, तुम्हें भी हम ऐसे नहीं बोल रहे कि तुम हमारे फ्रेंड्स नहीं हो, तुम भी हमारे फ्रेंड्स हो, तुम भी हमारी डेली रेगुलर स्ट्रीम्स देखते हो, ठीक है। हमसे वरना अगर हमारी टीम को जिताना होता ना, हमारी टीम फ्रूट गेमिंग आज होती और पहचान दिया ताकि तुम लोग आगे बढ़ो, ठीक है। यहाँ पे देख ज़्यादा नहीं, तुम सेकंड आओगे और प्राइज़ मिलेगा ये मैंने, चलो ठीक है, इसलिए रीमैच बोल रहे हो, ठीक है ये तो ठीक है। चलो मैं आपको आगे दिखाता हूँ, मैंने इसे सेकंड बोला, फिर रीमैच का भी मैंने इसे को दिखाया। आप यहाँ पे आगे देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं इलिमिनेट ही क्यों हुआ। अबे वॉल से नहीं हुआ, वॉल हटा दी, ध्यान से देखिए, देखो ये बोल रहा है या तो कल रीमैच या तो आप सेकंड, ये मैंने लिखा है अनस्टॉपेबल, ये इसने लिखा है सेकंड ऑप्शन है, दो ऑप्शन मैंने दिए है, ठीक है भाई देख ले जित्तू, बात जान के सब पे रोस्ट बनाया कर। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रोस्ट मत बना, पर तू पहले पूरी बात देख। यहाँ पे इसको ऑप्शन दिया, ये दिख रहा है देखो, या तो कल रीमैच या तो आप सेकंड, दो और पैसे भी दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेकंड के पैसे भी दे रहा हूँ, ठीक है। उसी टाइम इसने लिखा है ओके आईडी भी भेज दूंगा कल। अब देखो दिखाता हूँ एमआईबी वालों ने, अगर कोई स्पोर्ट्स मतलब जो हम लोग टूर्नामेंट करा रहे हैं, सामने वाला लीडर हमसे बदतमीजी में बात करेगा तो गुस्सा नहीं आएगा क्या तेरे को? तूने कभी टूर्नामेंट कराया है तो तुझे अगर कोई लीडर सामने, जैसे मैं तेरे टूर्नामेंट में खेलना चाहता हूँ और मैं तेरे से बदतमीजी करूँ, उल्टे सीधा बात करूँ, तो तू क्या ब्लॉक करेगा कि उस बंदे को प्यार करेगा, वो बताना मेरे को ज़रा। अब तू यहाँ पे ध्यान से देख ले जित्तू गेमर, यहाँ पे देखो दिख रहा है आपने पैसे पकड़ अपनी गान में डाल ले, ठीक है। ये गाली किसने दिया? एमआईबी, देख ऑनलाइन एमआईबी, देखो यहाँ पे एमआईबी का नाम दिख रहा होगा ना, एमआईबी मेरे को इस ब्लड रेंजर से मैंने सेव करके कॉन्टैक्ट भी सेव करके रखा है, ठीक है। समझा विनर, ये देख नीचे इसने क्या लिखा है, मैंने इसको लिखा है मैं अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ, गुड। मैंने मेरे पास हर एक रिकॉर्डिंग बनी, मैंने किसी को गाली वाली नहीं दिया, ठीक है। हर एक रिकॉर्डिंग अभी भी पड़ी है, देखो अगर प्रूफ चाहिए इंस्टा में मैसेज कर देना, देखो प्रूफ के साथ हर एक रिकॉर्डिंग भेजूंगा, ठीक है। यहाँ पे देख ले स्टार्टिंग, अगर सामने वाला बंदा गाली दे रहा है, मैंने उसको 600-200 रुपये देने के लिए भी मैंने उसको पीछे तक एसएस दिखाया था, वो देख लेना ध्यान से। और अगर तेरी आँखें कमजोर है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास दिखा दे, मैं दे देता हूँ नंबर। और रही बात रिपोर्ट मारने की और चैनल डिलीट करवाने की, और जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा उनको ये अच्छी तरीके से पता है कि मैंने इसके चैनल पे ना तो रिपोर्ट मरवाई है, ना तो इसके चैनल की किसी भी वीडियो पर चैट में जाके गाली बकने या फिर कुछ उल्टा सीधा बोलने के लिए बोला है। लेकिन तूने तो अपने वीडियो में बिल्कुल हद ही कर दी, मेरे चैनल को डिलीट करवाने और वीडियो पर रिपोर्ट मरवाने की बात भी बोली है। देख भाई मेरी जो ऑडियंस है ना, वो ना तो गिव अवे वाली ऑडियंस है, ना तो मैंने शॉर्ट से वीडियो अपलोड करके ऑडियंस बनाई है। तू खुद ये दिमाग लगा कि मेरे बिना कहे तेरे चैनल पर रिपोर्ट पड़ी है और कमेंट में उल्टा सीधा लोगों ने बोला है। अब तू ये खुद दिमाग लगा, अगर मैंने बोला होता कि इसके चैनल पर जाओ वीडियो पर रिपोर्ट मारो तो कितनी रिपोर्ट आती तेरे चैनल पर। और रही बात रिपोर्ट मरवाने की, चैनल डिलीट करवाने की और स्ट्राइक मरवाने की, तो शायद तुझे अभी यूट्यूब के बारे में पता नहीं है। किसी को भी क्रिटिसाइज करना एकदम फेयर होता है, यूट्यूब ये चीज खुद प्रमोट करता है। मैंने अपनी वीडियो में सिर्फ तुझे क्रिटिसाइज किया है, ना तो मैंने ये बोला है कि इसकी वीडियो पे जाकर रिपोर्ट मारो या फिर कमेंट में इसको गालियां दो। चल बजड़ी के। और लास्ट में एक चीज और क्लियर कर देता हूँ कि देख भाई, मैंने उस वीडियो में सिर्फ तेरे अकेले को टारगेट नहीं किया था, मैंने उन सभी लोगों को टारगेट किया था जो स्कैम कर रहे हैं टूर्नामेंट के नाम पे। बाकी तेरे लिए नो हेट फ्रॉम माय साइड, तू अभी छोटा बच्चा है इसलिए तेरे को जाने देता हूँ। आगे से तेरी माँ की इच्छू, तेरे गांड में झाड़ू डाल के मोर बनाऊंगा। वाह भाई पलटना तो भाई तेरे से सीखे, मतलब भाई नाम मेरा ले रहा है और बोल रहा है मैं सबको बोल रहा हूँ तुझे टारगेट नहीं कर रहा हूँ। वाह भाई मतलब तू तो यार बड़ा ही बड़वा इंसान निकला। सच्चाई यही है कि हमने टूर्नामेंट फ्री ऑफ कॉस्ट रखवाया था और एमआईबी फेयर नहीं खेल पाई थी, तो यहाँ पे उनके लिए रीमैच भी करवाया, फिर भी 7-0 से वो हार गई थी और उन्हें मिले यहाँ पे 200 रुपीज़, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसको रिडीम कोड हमने यहाँ पे दे दिया था और जो फर्स्ट डिजर्विंग टीम है उन्हें 400 दे देते, ये रहा उन दोनों का स्क्रीनशॉट, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपको क्लियर पता चल गया, हम दोनों को प्राइस भी दे चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं तेरे पे कोई रोस्ट वीडियो बनाने वाला हूँ नहीं, मैं तेरी तरह इतना वेला इंसान है, मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। और हाँ तू अपनी जगह पे सही है, मैं अपनी जगह पे सही हूँ, ठीक है। तो चलो गाइस आज की वीडियो यहीं पर एंड कर दे, जाते जाते यार सभी लोग एक लाइक कर देना और जो भी चैनल पर चैनल को सभी लोग कर देना सब्सक्राइब और बेल वाला आइकन ऑल पे दबा के सेट कर देना। सब्सक्राइब करने का कोई पैसे नहीं लगते तो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलो गाइस आज की वीडियो यहीं पर एंड कर दे, मिलते हैं हमारी न्यू धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।